हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पशु एम्बुलेंस के अभाव में गौवंश ने तोड़ा दम। शिवगंज सिरोही फोर लाइन वेरावीर पुर के पास सड़क पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दर्दनाक हादसा हुआ, जिससे उपचार के दौरान गर्भवती गौ माता की मौत हो गई। गाय का बछड़ा सुरक्षित बाहर निकाला गया, वहीं उसे पुलिस थाने के वाहन से पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया, जिसके बाद इलाज उपचार शुरू किया गया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि गौ माता के पेट को फाड़कर बछड़ा आधा बाहर निकल चुका था। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने जैसे तैसे कर गौ माता की डिलीवरी करवाई गई, वहीं हड्डियों का ढेर लग गया, साथ ही सड़क पर अधिकांश रक्त बहने लगा। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर कब तक करना पड़ेगा पशु एम्बुलेंस का इंतजार? यदि पशु राहत वाहन टोल प्रशासन के पास पर्याप्त होती तो आज हम इस गौ माता को समय पर चिकित्सा व्यवस्था करवाते। कुछ देर बाद पशु चिकित्सालय पारडी एम ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं की मदद से सड़क पर ही इलाज उपचार शुरू कर टांके लिए गए, पर इलाज के दौरान गाय ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। सदस्य मीना ने बताया, 2 घंटे तक सड़क पर तड़पती रही गौ माता। पशु एम्बुलेंस के अभाव में इलाज उपचार में भी देरी लगी। पशु एम्बुलेंस की मांग करते करते अब तो उम्मीद ही टूटने लगी है। आखिर हमारी सुनने वाला कौन है? क्या केंद्र व राज्य सरकार सहित टोल प्रशासन को गौ माता का दर्द नहीं दिखाई देता? एक एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाने के लिए टोल प्रशासन ने वर्षों गवा दिए, पर अभी तक कोई लिखित आश्वासन या उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। वहीं कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए टोल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर पशु एम्बुलेंस कंपाउंडर की मांग की, साथ ही फोर लाइन डिवाइडर पर दोनों साइड लोहे की जाली डलवाने की मांग रखी गई। इस दौरान ओम श्री गजानन सेवा मंडल अध्यक्ष मंगल कुमार मीना, गौ सेवा गजेंद्र सिंह सिसोदिया, पीपल फॉर एनिमल सचिव अमित सिंह देओल, पशु चिकित्सालय प्रभारी आवेश खान, थाना अधिकारी सुजाना राम हरीश कुमार, परवीन टोल प्रशासन पृथ्वी सिंह सिसोदिया, भैरा राम देवासी, करण सिंह व आसपास के गौ भक्त व ग्रामीण ने एकत्रित होकर सेवा दी। सिसोदिया ने बताया कि आए दिन दुर्घटना का शिकार गौ माता हो रही है, पर हमने सभी जगह गुहार लगाई पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। जागरूक टीवी की पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।